हाँ स्टूडेंट्स, ये क्लास सेवेंथ का 11.1 बता रहा हूँ मैं, यहाँ लिख देता हूँ क्लास सेवेंथ। क्लास सेवेंथ के मैं ये वीडियो डाल रहा हूँ, बच्चों की डिमांड है थोड़ी, नहीं तो मैं क्लास सेवेंथ के वीडियो अपलोड नहीं करना चाह रहा था अभी, लेकिन बच्चे कह रहे हैं सर घर पे देख लेंगे, तो मैंने कहा ठीक है। तो ये क्वेश्चन है आपका 11.1 का पहला क्वेश्चन है, द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर पीस ऑफ ए लैंड आर 500 मीटर एंड 300 मीटर। यहाँ पे रेक्टेंगुलर पीस ऑफ लैंड, रेक्टेंगुलर, रेक्टेंगल कैसा होता है, रेक्टेंगल ऐसा होता है, आर ई सी टी ए एन जी एल ई, रेक्टेंगल, ये आपका रेक्टेंगल है, ठीक है ना। तो रेक्टेंगुलर पीस इसमें क्या कह रहा है, 500 मीटर लेंथ है और ये ब्रेथ है, लेंथ कितनी है 500 मीटर और ब्रेथ है 300 मीटर, लेंथ और ब्रेथ दी हुई है। अब हमें फाइंड क्या करना है, देखो फाइंड में इन्होंने दो चीज़ पूछी है, पहली पूछा है इट्स एरिया, तो हम सॉल्यूशन में करेंगे, पहले तो हम लिख देंगे गिवन हमको क्या क्या है, गिवन में हम लिखेंगे लेंथ हमको गिवन है 500 मीटर और ब्रेथ हमको गिवन है 300 मीटर, ये गिवन है। अब आपको एरिया फाइंड करना है, तो नाउ एरिया, एरिया इज इक्वल टू, क्योंकि रेक्टेंगुलर है, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, तो ये आ जाएगा 500 इंटू 300, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 5 3 15, दो और दो चार जीरो यहाँ लगा दो इसके आगे, मीटर में है, मीटर स्क्वायर कर दीजिए आप, क्योंकि एरिया हमेशा स्क्वायर में आता है, ध्यान रखना पेरीमीटर होगा तो स्क्वायर में नहीं आएगा, सिंपल, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या करना है हमको, दूसरा सेकंड, सेकंड में आप देखें द कॉस्ट ऑफ द लैंड इफ 1 मीटर स्क्वायर ऑफ द लैंड कॉस्ट 10,000, 1 मीटर स्क्वायर जो है 10,000 का है, तो इतने मीटर स्क्वायर है, तो हम क्या करेंगे, कॉस्ट ऑफ द लैंड इज इक्वल टू, कॉस्ट क्या होगा इसमें 10,000 का इंटू कर दो, इंटू 10,000, तो 15 बन जा, 15 ये रुपीज में आ जाएगा, 4 और 4 8 0, ठीक है ना, ये आपका आंसर आ जाएगा कॉस्ट, ठीक है, ओके, ठीक है बच्चों। अब सेकंड क्वेश्चन देखेंगे, सेकंड क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ ए स्क्वायर पार्क, स्क्वायर पार्क, स्क्वायर में सभी साइड्स इक्वल होती हैं, ये बात आप समझ लेना पहले, सारी साइड इक्वल होती हैं इसकी, आपको क्या फाइंड करना है, एरिया फाइंड करना है इसका, एरिया स्क्वायर पार्क का, और पेरीमीटर गिवन है, पेरीमीटर गिवन है, तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर यहां हम लिखेंगे गिवन, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 320 मीटर, पेरीमीटर आपका इतना दिया है, अब पेरीमीटर दिया है तो हम क्या करेंगे, पेरीमीटर का फॉर्मूला यहां पे अप्लाई कर देंगे, पेरीमीटर होता है 4 इंटू साइड, इसका स्क्वायर का जो पेरीमीटर होता है वो होता है 4 इंटू साइड, फॉर्मूला होता है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, यहाँ लिख दीजिए पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू साइड, ये फॉर्मूला है, ये हमने अप्लाई किया यहाँ पे, इज इक्वल टू 320, साइड फाइंड हो जाएगी यहाँ से, साइड इज इक्वल टू 320 अपॉन 4 का डिवाइड दे दो, तो साइड कितनी आ जाएगी, 4 8 जा 32, 80 मीटर साइड अपने पास आ गई है, तो अब एरिया कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला होता है साइड इनटू साइड, ये पूरा फॉर्मूला ही लिखा है तो इसको अलग से लिखने की जरूरत नहीं है, साइड 80 है, 80 इंटू 80 मीटर का स्क्वायर, 8 8 जा 64 मीटर स्क्वायर, आंसर कंप्लीट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 बताएंगे आप,
क्वेश्चन पहले ध्यान से समझें, फाइंड द विड्थ, आपको विड्थ फाइंड करनी है ऑफ ए रेक्टेंगल की। हम पहले एक रेक्टेंगल बनाते हैं, रेक्टेंगल इस तरह होता है, ये लेंथ होती है और ये विड्थ होती है, विड्थ आपको फाइंड करनी है, क्वेश्चन मार्क लगा दिया मैंने। फिर कह रहे हैं फाइंड द विड्थ ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ लैंड इफ इट्स एरिया इज, एरिया आपको देखिए गिवन है इतना है, एंड द लेंथ इज 22 मीटर, लेंथ भी आपको दे रखी है, यानी लेंथ कितनी है 22 मीटर, और आपको पेरीमीटर फाइंड करने के लिए बोला है, ये आपको फाइंड करना है, ठीक है। तो पेरीमीटर के लिए 2 × L + B फॉर्मूला होता है, देखो पेरीमीटर ऑफ, अगर हम देखें यहाँ पे फॉर्मूला लिखते हैं, देखो ये आ रही है एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का फॉर्मूला लेंथ इंटू विड्थ होता है, और पेरीमीटर का क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 2 × L + B होता है, आप याद रखिए, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम बी फाइंड करेंगे, तो बी कैसे फाइंड होगा, हमें क्या गिवन है, एरिया गिवन है, तो हम लिखेंगे जो गिवन है वो लिखेंगे, पहले गिवन है हमें एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 440 मीटर स्क्वायर, एरिया ये गिवन है, एरिया का फॉर्मूला देखिए लेंथ इंटू विड्थ ये लिखा हुआ है, तो ये 440 ये आ गया, लेंथ कितनी है 22, यहाँ लिखेंगे 22 लेंथ इंटू बी, पता करना है इज इक्वल टू 440, 22 का जब मल्टीप्लाई में है तो हम क्या करेंगे डिवाइड देंगे, तो बी इज इक्वल टू 440/22, 22 × 44 20, ये वाला जीरो यहाँ आ गया 20 मीटर, ये आपकी विड्थ आ गई, एक आंसर आ गया आपका, ये आंसर पूछा था, तो ये 20 आ गया। अब क्या करना है, अब आपको ये फाइंड करना है, इसका पेरीमीटर फाइंड करना है। नाउ पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या है, 2 × L + B ये फॉर्मूला है, तो 2, L कितना है अपने पास 22 और विड्थ बी है 20, तो 2 इन दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 42 में 2 का इंटू कर दो, 2 × 2 = 4 और 2 × 4 = 8, 84 और सेंटीमीटर के मीटर है, आंसर कंप्लीट हो गया।